लगा नहीं ऊपर से किसको सबको भी बहुत बहुत बधाई गणेश चतुर्थी की मैम। इस बार क्या कुछ खास होने वाला है गणेश चतुर्थी पे? हमने इको फ्रेंडली गणपति बापा रखे हैं हर साल की तरह एंड आई जस्ट विश एंड प्रे कि इस साल गणपति बापा हम सबके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स लेकर आए और जल्दी से कोविड चला जाए। ओके तो कितने दिन के लिए गणपति? 11 दिन के लिए। और क्या कुछ इस बार विश मांगने वाली हैं जो पूरा हो? बस सबके लिए पीस ब्लेसिंग लव और बहुत सारी खुशियाँ एंड सब प्रॉस्पर करें और सब एक पॉजिटिविटी यू नो सब पॉजिटिव रहे हैप्पी रहे। गणपति पे ऐसी कौन सी बात होती है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है? आई थिंक मुझे एक्चुअली ये फेस्टिवल बहुत बहुत पसंद है क्योंकि पूरा बॉम्बे जो है मुंबई जो है वो ऐसे खिल उठता है यू नो एक नई दुल्हन की तरह। और सुबह ही जब मैं उठी तो इतने ढोल की आवाज़ आ रही थी और पूरा इतना त्यौहार का माहौल था तो बहुत अच्छा लगता है कि सब एक साथ आकर एकजुट होकर ऐसे लगता है कि पूरी सिटी लाइक एक फैमिली बन गई है और बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स लाइक इट्स सो पॉजिटिव इन्वायरमेंट एंड हर साल बापा आते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं और अब तो लाइक इको फ्रेंडली गणपति बापा हो गए हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम सबको ये बहुत टेक केयर करना चाहिए कि हम अपने बीचेस को और सी को हम गंदा ना करें और फेस्टिवल इन्जॉय करें बट एक साफ़ सफाई ज़रूर मेंटेन करें। मैम आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ आने वाली है? अभी सत्यमेव जयते 2 रिलीज़ होगी सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड बस। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ बोलना चाहेंगे गणेशपति ये गणेश चतुर्थी के? मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहूँगी कि थैंक यू आप सब हमेशा मुझे इतना प्यार देते हैं और मैं जो भी काम करती हूँ उसको हमेशा एज अ आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे कि बापा हमेशा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। लवली।